मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए दिन भर की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करते हैं। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने आज नया रिकॉर्ड बना लिया है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब रविवार को भी बोर्ड की परीक्षा आयोजित हुई है। राजस्थान में आठवीं बोर्ड की परीक्षाएं आज यानी कि रविवार को शुरू हो गई है। इसके अलावा कई अन्य कक्षाओं के पेपर रविवार को हो रहे हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो राजस्थान के शिक्षा विभाग के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब बोर्ड की परीक्षा रविवार को आयोजित हुई हो, यानी कि यह पहला मौका है। शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो पहले ही टाइम टेबल तय कर दिया गया था, लेकिन अचानक मौसम विभाग का रेड अलर्ट आया जिसके बाद परीक्षा में बदलाव करना पड़ा, क्योंकि परीक्षा के दौरान भारी गर्मी और लू की संभावना थी। ऐसे में परिजनों और शिक्षकों की डिमांड पर राज्य सरकार ने पुराने टाइम टेबल को चेंज कर दिया और आनन फानन में रविवार के दिन ही परीक्षा की तिथि को तय कर दिया। अगली बड़ी अपडेट बाड़मेर जिले से। बाड़मेर जिले में एक परिवार में शादी की खुशियों पर कुछ समय ब्रेक लग गया जब दूल्हे को सांप ने काट लिया। इससे दूल्हे की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद दूल्हे को बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर कटार पहने हुए दूल्हे का इलाज जारी है। चौहटन उपखंड क्षेत्र के नेत्राड़ गांव निवासी धर्माराम की 21 अप्रैल को शादी है और घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। परिवार के सदस्य घर पर डेकोरेशन, शादी निमंत्रण सहित पाट बिठाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पाट बिठाने से कुछ समय पहले ही दूल्हे को सांप ने काट लिया। अच्छी बात यह है कि दूल्हे की हालत अब खतरे से बाहर है, जल्द ही अस्पताल से भी छुट्टी मिल सकती है। मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। आज शाम को जयपुर सहित कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाओं का दौर भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए प्रदेश के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। जयपुर, दौसा, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, जैसलमेर के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। यहां मेघ गर्जन के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और कई स्थानों पर धूल भरी आंधी का भी दौर देखा जा सकता है। तो फिलहाल यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट। मिलते हैं कल सुबह वाले वीडियो में राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।